अक्षय कुमार ने 26 जनवरी पर जो किया उसे जानकर आप भी गर्व से कहेंगे जय हिंद। 26 जनवरी को देश भर में 70वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। देशवासियों ने अपने अपने तरीकों से डेमोक्रेसी के इस महापर्व का जश्न मनाया और भारत को यहां तक पहुंचाने वाले शहीदों और देशभक्तों को याद कर नमन किया। बॉलीवुड में भी गणतंत्र दिवस पर्व जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन अक्षय कुमार ने इस दिन बेहद खास काम किया। 26 जनवरी तड़के अक्षय हाइकिंग के लिए निकल गए। खास बात यह रही कि इस यात्रा में उनके साथ पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटी नितारा ने भी साथ दिया। इसी यात्रा के दौरान की एक तस्वीर अक्षय ने शेयर की है और उसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा, तड़के उठा और परिवार के साथ लंबी पैदल यात्रा पर निकल गया। गणतंत्र दिवस का जोश भरा हुआ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अक्षय और ट्विंकल के हाथों में तिरंगा है। इसके बाद अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म केसरी की नई तस्वीर शेयर करते हुए सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अक्षय ने बताया कि भले ही यह हमारा 70वां गणतंत्र दिवस है, मगर हमारे वीर देश के लिए सदियों से लड़ रहे हैं 122 साल पहले की सिख 10,000 आक्रमणकारियों से लड़े थे। केसरी उन्हीं की कहानी है जो 21 मार्च को सिनेमा घरों में आएगी। अक्षय अपनी फिल्मों के साथ वास्तविक जीवन में भी देश के लिए अपने जज्बात जाहिर करते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है जिसे भारत के वीर नाम दिया है। इसके तहत उन्होंने भारत सरकार की मदद से एक वेबसाइट का निर्माण करवाया है जिसके जरिए कोई भी देशवासी शहीद फौजियों के परिजनों को आर्थिक मदद भेज सकता है। अक्षय ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इसके तहत दी जाने वाली सहयोग राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। अक्षय के इस इनिशिएटिव के जरिए अब तक करोड़ों रुपए की धनराशि शहीद सैनिकों के परिजनों तक पहुंचाई जा चुकी है।